हेलो स्टूडेंट्स, क्विज टाइम। एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मैं मेथड देखिए देखिए गेट का इक्वल टू दिस, आपको यह फाइंड आउट करना है। तो पहला मिस्टेक जो स्टूडेंट कर सकते हैं, यहाँ पे के का वैल्यू 1 रखेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जेड 2 निकालेंगे, जेड 3 निकालेंगे, और यहाँ पे 1 बाय 1 पुट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे। क्या करना है यहाँ पे, nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ध्यान से देखिएगा क्या होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 to the power 1 by n, जिसको हम लोग जेड लेते हैं, ठीक है। जेड 2 to the power n इक्वल टू 1 हो जाएगा, जेड 2 to the power n-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके कुछ रूट्स हो गए, सपोज कि 1 अल्फा 1 कर दिया, अल्फा 1 कर दिया, अल्फा 2 डॉट डॉट, अल्फा n-1, इसके रूट्स हैं। कैसे लिखते हो, जेड टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू कितना होता है, z-1, देन z-अल्फा 1, ठीक है, अब z-अल्फा 2 डॉट डॉट, z-अल्फा n-1, यही लिखते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट इसमें कैसे अप्लाई होगा, देखिए कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, z-10-1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, z-1, z-, यहाँ पे अल्फा की जगह z1, z2 है, तो z-z1, फिर यहाँ पे लिखेंगे z-z2 डॉट डॉट, z- कितना हो जाएगा, z, देखिए यहाँ पे 10 पुट किया था, यहाँ पे 9 आ जाएगा, बात बन गया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से आप क्या करने वाला हूँ, इसको आप नीचे ले आइए, z-10-1 / z-1 इक्वल टू हो जाएगा z-z1, देन z-z2 डॉट डॉट, z-z9, ठीक है। इसके बाद देखिए ये किसका लिखा हुआ, gp का सम फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक, तो 1 + z + z² + z-2 / 9 इक्वल टू z-z1, आप लिखेंगे z-z2 डॉट डॉट, z-z, ठीक है। अब देखिए जेड का वैल्यू क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें क्या, क्योंकि 1 देखिए ना, 1-1 इस लाना है हमें, तो 1 + 1 + 9 कहाँ तक जा रहा है, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1-z1, ठीक है, एंड देन 1-z2 डॉट 1- कितना, z9। अब यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, लगा देते हैं ना मॉड, मॉड के प्रॉपर्टी सबको अलग अलग मॉड कर लीजिए, ये हो जाएगा 1-z1, ये हो जाएगा आपके पास 1-z2 डॉट 1-z9, सब पे मॉड लगा दिया, और यहाँ पे तो 10 है। अब इस 10 को अगर नीचे लाता हूँ, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1 हमारा आंसर। कितना आसान था, थैंक यू।